स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट चैनल। चलिए आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम का कुछ ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई संख्या 2, 2, 4, 6 या 8 अंक का रहता है तो हम कैसे भी उसे देख करके ही पता कर लें कि ये 2, 3, 4 से अगर पूछा गया हो तो हम कैसे देख करके पता कर लिए कि पूरे पूरे उसे सॉल्व कट जाता है या कुछ शेष ही बचता है। चलिए आज हम वही देख रहे हैं। चलिए आप स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट चैनल। चलिए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5, 8, 6, 9, 4 डिवाइड बाय 2 और ये पूरे ये जो संख्या है 2 से पूरे पूरे करता है या नहीं, उसके लिए एक ट्रिक है। यूनिट नंबर जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझिए ये 2 से पूरे पूरे कट जाएगा। जैसे नंबर देखिए 5, 8, 6, 9, 4 जिसमें 4, इसके लास्ट में 4 है, ये 2 से पूरे पूरे डिवाइडेड हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल 8, 6, 9, 4, 5 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरे पूरे नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसमें कहीं पे 5 नहीं दिख रहा तो ये 2 से नहीं कटेगा। चलिए अगला ट्रिक। अगर कोई भी संख्या पूछा गया 3 से पूरे पूरे कटेगा या नहीं, देख कर कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 6, 9, 5, 4, 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से पूछा गया है कि ये जो संख्या है वो 3 से पूरे पूरे कट जाता है कि नहीं, कोई शेष भी तो नहीं बचता है, तो हम देख लेते हैं। इसका भी एक ट्रिक है, ये जितना भी नंबर है उसको हम पूरे को एक एक करके जोड़ लेंगे। देखिए 6, 9, 5, 4, 2, 1 इसको हम अगर ऐड करते हैं तो 27 होता है। अगर कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगा उसको जोड़ करके संख्या को, 27 अगर हो गया तो 3 से कटेगा वरना नहीं कटता, पूरे पूरे नहीं कटता। चलिए हम अगला ट्रिक लेते हैं, देखते हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 9, 4, 8, 6, 5, 3 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये होता है 35। अगर 3 से डिवाइडेड होगा तो 27 होना चाहिए, 35 हो गया, ये 3 से पूरे पूरे नहीं कटेगा। चलिए अगला ट्रिक हम देखते हैं, डिवाइडेड बाय 4। कोई भी संख्या हो अगर उस कहा जाता है कि 4 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 6, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 3, 7, 6 डिवाइडेड बाय 4, ये पूछ रहा है ये जो संख्या है वो पूरे पूरे 4 से कट जाता है कि नहीं, हम देख लेते हैं इसके भी बनाने का क्या नियम है। देखिए अगर 4 से कटना है तो लास्ट का 2 डिजिट, ये जो 2 डिजिट है ये डिवाइडेड होना चाहिए 4 से, 2 डिजिट डिवाइडेड होना चाहिए 4 से, हम देख लेते हैं 74 जो होता है 74 तो यहाँ से कट गया। तो और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए 4, 9, 6 138 इसको हम देखते हैं, ये 4 से पूरे पूरे नहीं कट जाएगा, देख लेते हैं कि अगर कट जाएगा तब तो 4 से डिवाइड हो जाएगा,
अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। और देखिए अगला ट्रिक हम देखते हैं, डिवाइडेड बाय 5। अगर कोई संख्या 5 से कटता है उसका भी ट्रिक है। देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, 7, 6, 8, 9, 5 इज डिवाइडेड बाय, पूछा जा रहा है कि 5 से वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए भी एक ट्रिक है, अगर कोई संख्या अगर 5 से डिवाइड पूरे पूरे हो जाएगा होने होगा तो उसके लिए यूनिट यूनिट नंबर जिसका पहला संख्या या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। इसमें 5 है इसका मतलब ये कट जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखते हैं। सिक्स 8, 7, 9, 0। अब हम देखते हैं ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें कहा गया है ट्रिक है 0 या 5 यूनिट पे। तो इसमें 0 है, इसमें 5 था तो कटा, तो ये 0 है तो ये 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।